एवरीवन, राम राम सभी को। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अब मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ होली की। पहली बार बनाऊंगी गुजिया, देखते हैं कैसी बनेंगी। ये जाएगा पक्का, ये पक्का जाएगा, देखना अभी आप। तो थोड़ी सी अभी प्रिपरेशन करूंगी, फिर देखते हैं कैसी बनेंगी। पता नहीं, पहली बार बना रही हूँ, तो आ जाओ फिर चल के देखते हैं। तो अभी मैंने बैटर रेडी कर लिया है, स्टफिंग के लिए सामान रेडी हो रहा है। ये घी उसके लिए, और ये बैटर मैंने अभी रेडी कर लिया है उसमें स्टफिंग करने के लिए। उसके बाद एक बार ये रेडी करके और फिर आगे की प्रक्रिया जब करूंगी तब दिखाती हूँ आटे से। अभी स्टफिंग रेडी करती हूँ। रेडी होने वाली है, बस ये स्टफिंग थोड़ी सी और रहेगी, और ये यहाँ पे है, ये थोड़ी है और हमने तल दी। जो रेडी हुई है वो भी दिखाऊंगी कैसी हुई है। और भाई एक रिक्वेस्ट है सबसे मेरी, तो चलो जैसी बनी है मैं अभी देखती हूँ कैसी बनी है, लेकिन प्लीज तुम खाने मत छोड़ना कोई भी मेरी देख के, कभी तुम छोड़ दो, स्पेशली बेंगलोर वासी। तो अभी हो चुकी हैं रेडी फाइनल, बस एक थोड़ी सी वो रहती हैं और ये रेडी हैं। पता नहीं कैसा है टेस्ट इनका, देखते हैं कैसा। अच्छी है। ये मैंने खाई है, ये अंदर की स्टफिंग है और अच्छी लग रही है। आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो जाके बना लो अपनी किचन में, या फिर बाहर से नहीं ला सकते हो बनी बनाई। मेरी सलाह मानो तो बेटर है बाहर से ले आओ। फाइनली हो गई है, अभी दिखाऊंगी कैसी है। दिखा तो दी मैंने कैसी है और टेस्ट भी ठीक है, मतलब अच्छा है। मेरे को लग गए 2 घंटे गुजिया बनाने में, वो भी मतलब हम दोनों ने बनाई है, जब हमें 2 घंटे लगे हैं। और कितनी बनी है, कितनी बनी होगी दिखा तो दी थी मैंने, मतलब 20 से 25 शायद, इतनी तो लगभग बनी है। इससे फालतू भी बनी होगी, उसका कुछ नहीं कह सकते। और मैंने तो टेस्ट कर लिया, मेरे को तो अच्छी लगी। बाकी एक बार पूछूंगी देव से कैसी लगी है उनको। चलो फिर मिलते हैं बाद में। आज हमने 2 चीज़ें बनाई थी, गोलगप्पे वो भी अच्छे बने थे, और दूसरी चीज़ बनाई है गुजिया वो भी अच्छी बनी है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं बहुत टेस्टी बनी है। लेकिन एक राय है कि अगर खानी है तो बाहर से ही लेके आना, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरे को 2 घंटे लग गए हैं। आज है होली का दहन, होली से पहले ही आता है होली का दहन, और इसमें होली का दहन तो होता है शाम को और पूजा होती है सुबह। तो अब मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, चलते हैं पूजा करके आते हैं। और सामान मैंने सारा ले लिया है इस बैग में सारा सामान, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर थाली में सेट करके और फिर हो जाएगा सब कुछ। चलो ठीक है, आ जाओ चलते हैं फिर, देखते क्या है, चलते हैं और करके आते हैं। उपले भी ले लिए, इसमें उपले भी लगते हैं, पर जिसे मैंने मंगवाए थे ना उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े 7 दे दिए थे। थैंक यू उनको, उन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे भेजे। और पिंकी थैंक यू सो मच, तू लेके आई, यहाँ पे इतने हैवी हैं वो, तो चलते हैं। मैंने उनमें से एक ही लिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े और हैवी हैं, होते तो 7 हैं लेकिन उसके ही पार्ट कर लेंगे या फिर एक ही कर देंगे। वो सिर्फ भाई जैसे पूजा कर रहे हैं तो सोन सामन का होता है बस। तो भाई अभी हम आ चुके हैं घर पे वापस पूजा करके, और अभी शाम को होली का दहन होएगा वहाँ पे। पता नहीं जाएंगे कि नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता। और कल है होली, मेरी तरफ से आप सभी को होली का दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपकी विश पूरी करे, और बस और कुछ नहीं। मिलते हैं कल, कल है होली जो कि मैं नहीं सेलिब्रेट करूँगी। उसका भी एक रीज़न है, जो होली के जो कलर आते हैं ना वो मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन
कर देते हैं, मतलब मेरे को एलर्जी है उन कलर से, उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, इसीलिए। आप सभी को मेरी तरफ से हैव अ सेफ होली। और मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि मैं होली को सेलिब्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि जो कलर्स होते हैं ना, गुलाल गुलाल या कोई भी कलर होता है ना, वो मेरे फेस पे, मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, तो इसीलिए मैंने कुछ सेलिब्रेट किया।